कि बाजरे के खेत में इलायची उगा रहा हूँ बाजरे के खेत में इलायची उगा रहा हूँ, चेतना जगा रहा हूँ, सोए अजगर में मूंग के व्यापारियों को मूंगा दिखला रहा हूँ, मूंग के व्यापारियों को मूंगा दिखला रहा हूँ, रामायण गा रहा हूँ रावण के घर में, रामायण गा रहा हूँ रावण के घर में, कागों की सभा में नीर छीर छटवा रहा हूँ, शीशे बटवा रहा हूँ बानर निकर में, तेलियों के गांव में फूले लेके आ गया मैं, कंघे बेच रहा हूँ मैं गंजो के नगर में, कंघे बेच। लेकिन यहाँ सही जगह कर एक अंतिम छंद में पढ़ता हूँ। शैलेश ने कह दिया था मेरे बारे में कि इनको ध्यान से सुन लो, पर पता नहीं आ पाए कि नहीं आ पाए। तो मैं इसमें एक मेरे हृदय का छंद है, मैं महाराज श्री को ये समर्पित करता हूँ। देखिए आदमी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा हम ऐसे नहीं थे, अमीरी नहीं रहती, गरीबी नहीं रहती, दुख नहीं रहते, सुख नहीं रहती, आप सब लोग जानते हैं परिवर्तनशील संसार है। लेकिन जिस स्थिति में आदमी हो मस्त रहे ईश्वर के, कहे ईश्वर तूने जो दिया है वो ठीक है, दुखाए तो भी कहे कि तू जो दे रहा है बहुत बढ़िया है, सुखाए तो भी कहे तू जो दे रहा है ठीक है, तो आदमी हमेशा सुखी रहेगा जीवन में। मेरे जीवन का अनुभव भी है और आपके लिए एक मैं ये समझो मंत्र भी है जीवन का, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन का अपना अनुभव है ये सहज छंद हृदय का। इस पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा, दाद चाहूंगा। देखे आप, मैं भगवान से कह रहा हूँ ये ध्यान रखते हैं कि दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंसू तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूं मैं, दाल रोटी दी तो दाल रोटी का घेस हो गया मैं, आंसू तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूँ मैं, दुख तूने दिए मैंने कभी ना शिकायत की, दुख तूने दिए मैंने कभी ना शिकायत की, सुख दिए तूने सुख लिए जा रहा हूँ मैं, सुख दिए तूने सुख लिए जा रहा हूँ मैं, पतित हूँ मैं तो तू भी तो पतित पावन है, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूँ मैं। और अगली पंक्ति इसको समर्पित कर रहा हूँ, मुझे भेजना चाहता है समय से पहले कि पतित हूँ मैं तो तू भी तो पतित पावन है, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूँ मैं, मृत्यु का बुलावा जब भेजेगा तो आ जाऊंगा, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूँ मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा। मैं छोटी सी इतना पढ़ देता हूँ, हरियाणा का हूँ मैं भी, और हमारे यहाँ देखिए जैसा उसने अरुण ने कहा था, हमारे यहाँ कोई मतलब पढ़ने लिखने का बड़ा कम शौक होता है लोगों, पढ़ने लिखने में विश्वास ही नहीं करते काय को। हमारे आपको सही बात बताऊं, हरियाणा का कोई व्यक्ति एकाध कोई हो तो दूसरी बात है, वो एक अपवाद है, कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं मिलेगा, कोई मतलब आईसीएस अफसर हो, डीएम हो, डीसी हो, बिहार के मिलेंगे, पूर्वांचल के मिलेंगे, आपके राजस्थान के, हम तो हर तक सारे देश में घूमते कहीं नहीं मिला, ज्यादा मास्टर बन जाएंगे, चपरासी बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे। हमारे एक बताऊ का आया करते बता दू टीटी बन जाना, इसलिए को मुफ्त में आप यात्रा कर सके, यहाँ तक पहुंचे उनके। तो अगर कुछ नहीं बन पाए तो मेरी अरुण की तरह कभी बन जाए, और कुछ भी नहीं बन पाए तो बाबा जी हो जाएंगे रामदेव की तरह, वो भी हरियाणा का हमारा पड़ोस, कुछ नहीं बन पाए चलो घर बार से बाबा जी बन जाए, ये हरियाणा की संस्कृति। तो हम भी ऐसे ही रहे। तो मैं सही बताऊं आपको, आजकल पता नहीं बच्चों के नंबर कैसे आ जाते हैं, 80%, 90%, हमारे जैसे 33% आए बप्पू पास हो गए, पूरे गांव में मिठाई बटती थी, पता नहीं आजकल कैसे नंबर आ जाते हैं। अब मैं अपनी बात बताऊं ना, पढ़ने में पोता है, देखिए सही बात बताता हूँ, ये कभी भी जानता रूण जानता है, महेंद्र जानता है, उसको देखा है इन्होंने, अभी 8वीं का उसने इम्तिहान दिया। आजकल के स्कूलों की जो आपके भी बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाई, घर में आकर माँ पढ़ा रही है, बाप पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है बच्चा, 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे खेलने भी दोगे कि नहीं इनको, कब खेलेंगे, बुढ़ापे में खेलेंगे, बचपन में नहीं खेलेंगे, चौथी पांचवी में पढ़ रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलने दो इनको। मैंने कहा अब वो उसको माँ रोज गए, अरे तू कितने नंबर लाओगा, किताब सामने, अब उसका खेलने में मन, क्योंकि पोता मेरा उसका पार्ट में ध्यान, सही बता रहा हूँ मैं, सच्ची घटना है। अच्छा तो कितने नंबर लाएगा, रोज उसको मारे, उसको धमकाए, उसका पार्क में बच्चे खेल रहे वहां ध्यान, फुटबॉल खेल रहे, तो जब दुखी हो गया था एक दिन, बोले तो कितना नंबर लाएगा, तो किताब सही कराओ फेंक के मारी, बोला 0 से कम तो नहीं जाऊंगा, पढ़ा ले तू इसको। तो आप कल्पना करो जिसका पोता आज के युग में, आज के दिन में ऐसा होनहार है, उसका दादा
आज से 55-56 साल पहले कितना महारथ ही रहा होगा। तो साहब हम पढ़ते नहीं थे भगवती जी, लेकिन आप तो शायद आपने वो दिन देखे होंगे जब परीक्षाएं आती थी तो भक्ति भावना जागृत हो जाती। आप में भी जो मेरी उम्र के बहुत कम लोग होंगे लेकिन मुझसे कुछ छोटे वो भी जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कल से इम्तिहान है ना पढ़ने, और रामचरित मानस में जन्म वो प्रश्न कुंडली होती है साहब, उसमें चौपाई निकलती है अक्षर मिलाने से क्या फल मिलेगा, मेहनत की नहीं फल क्या मिलेगा। लेकिन उस भगवान का भरोसा साहब सबको रहता है, चाहे करे ना करे भगवान के भरोसे सारा काम चलता है हमारे देश में। तो छात्र वर्ष भर पढ़ा नहीं, परीक्षा सिर पर आ गई है, भगवान के मंदिर में जाकर अपना रोना रो रहा है, आपके बच्चे भी आज ऐसा करते हो, आपने कभी किया होगा, मस्ती सुने आप बड़ी सरल शब्दों में सहज सी सुनी हो तो भी इस तरह सुने से पहली बार सुन रहे हो। हे प्रभो इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तू कर दीजिए, मैं नहीं डरता प्रलय से मोतिया तूफान से, कांपती है रूह मेरी परसदा इंतान से, इस भयानक भूत को किसने किया इजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था, पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना उसे, लिखकर उसे फिर सोचना, टाटा 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 रोज रटता हूँ प्रभो, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभो, भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता कि रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है, पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को, क्या करूं और शब्द के स्पेलिंग सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी शेक्सपियर दिख जाते हैं मुझे, गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता, अकल अलजबरा हमारी जागा जड़ से पचा, तीन में से छह गए तो और क्या बाकी बचा, और एक सब्जेक्ट सबसे कठिन उसको याद करना मुश्किल, नाश हो इतिहास का सन के समंदर बह गए, कौन कब पैदा हुआ, कब सिंहासन पर बैठा, कब शादी की, कब उसके लड़का हुआ, कब कौन सी लड़ाई लड़ी, इतने राजा इतनी लड़ाइयां इतने वंश कौन याद रखे। हम तो एक काम सच्ची कह रहा हूँ महाराज श्री कि हम तो सच्ची बात बता रहा हूँ कि वो आगे बेंच होता था, उस पर डेस्क होता था, बेंच पर बैठते थे, पाजामा पहनते थे, कुर्ता नुमा यहाँ तक कमीज कुर्ता मिला, तो बड़ी बारीक पेंसिल से पाजामे की स्टांग पर मुगल वंश तारी तारीख जन्म मरण लड़ाइयां बड़ी बारीक पेंसिल से इस पर खिलजी वंश तुगलक वंश गुलाम वंश सारे के सारे नेट से घूमता रहता था, वो आगे निकला है सिकरा देख लिया पकड़ भी नहीं सकता। और ये आपको बताऊं कोई नकल नहीं है, ये एक आपत्ति में फंसे निरपराध छात्र की तात्कालीन बुद्धि का चमत्कार है। क्या करें बेचारा, उसने क्या कसूर किया, उसकी तारीखें पूछी जा रही है। ना सो इतिहास का सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए, शाहजहां बाबर हुमायूं और अकबर आप था, कौन था बेटा जाने कौन किसका बाप था। आजकल के बच्चों को दादा का नाम याद नहीं है, उन सालों का नाम याद रखे क्यों, शाहजहां बाबर हुमायूं और अकबर आप था, कौन था बेटा जाने कौन किसका बाप था, भूगोल में गत वर्ष आया गोल है कैसे धरा, भूगोल में एक प्रश्न पूछने को बताओ पृथ्वी क्यों गोल है, और वो कहते चांद तारे नक्षत्र गोल है इसलिए हमसे धरती भी गोल होगी, अब बच्चा कहां देखे उनको जाकर इतनी दूर, इतनी बड़ी दूरबीन कहां से लाए, उसे धरती चपड़ी दिखाई दे रही है चारों तरफ से, तो कर अगर यही बात है तो भाई मैं अपने आसपास की जो सिद्ध करता हूँ गोल है कि भूगोल में गत वर्ष आया गोल है कैसे धरा, और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा, गोल है पूरी कचौड़ी पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल वहां पर नहीं दी अभी गोल जलेबी गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है इसलिए मास्टर जी ये जरा भी गोल, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है इसलिए हे मास्टर जी ये धरा भी गोल है, झूम उठे मास्टर जी सनों के ज्ञान से, और कॉपी पर उन्होंने लिख दिया ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल।
ठीक है बेटा, हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है रात नंबर भी तुम्हारा गोल है। क्या पढ़ूं हिंदी मजा इसमें मुझे आता नहीं, लाख सिरजक जोड़ता हूँ कुछ समझ पाता नहीं, गद्य हो या पद्य दोनों काल है मेरे लिए, ये व्याकरण सबसे बड़ा जंजाल है मेरे लिए। हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, जरा सी गलती हो गया। हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया। राम रामो राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, पता नहीं उस समय के लोग कैसे पढ़ लेते थे, पाणिनि के अष्टाध्यायी कैसे याद कर लेते थे, इतनी धातुएं, एक धातु ही याद करना मुश्किल है। तो हमने एक सूत्र बनाया हुआ था, तत्ते तानी संस्कृत का बिनानी। राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं तुम नई रक्ष गच कचुमरम, अंड बंडम चंड खंडम रुंड मुंड चटापटम चटके रोटी पट्ट दालम चटपट सपाटम। ताली बजाओ क्योंकि मैं अपना रचा हुआ श्लोक है तो रचित। अंड बंडम चंड खंडम रुंड मुंड चटापटम चटके रोटी पट्ट दालम चटपट सपाटम। यह परीक्षा का समय जो जो निकट आने लगा, पुस्तकों में एक वस्तु ही नजर आने लगा, छोड़कर सारे सहारे आ गया हूँ द्वार पर, मार घुसा लात थप्पड़ किंतु बेड़ा पार कर, मार घुसा लात थप्पड़ किंतु बेड़ा पार कर, थे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से पिता। भगवान की करुणा प्राप्त करना चाहता है, सुदामा मेरे पूर्वज थे, आपने उनकी रक्षा की थी, मैं उनका वंशज हूँ, आपका फर्ज बनता है कि उनके वंशज की भी रक्षा। भगवान को फर्ज समझा रहा है, मेहनत की नहीं है। थे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से पिता, मेरे पिता मह के पिता मह के पिता मह के पिता। हे दया मैं हर तरह से मैं दया का पात्र हूँ, नाम है शैलेश मेरा, आठवीं का छात्र हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मैं उनसे कहूंगा अपने दोस्त को बुलाए जैसे उसने बुलाया।